अरे एकदम यहाँ पे आप साहब इधर है साहब, इकड़े इकड़े समोर 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 साहब इकड़े सर सर अरे अर्जुन सर एकदम सामने देखिए ना सर यहाँ पे एक सेंटर सेंटर सर एक सेंटर काढू फोटो सर सर अरे सर यहाँ पे देखिए आपके लेफ्ट सर यहाँ पे सामने सर सामने से थोड़ा सामने सर 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 अर्जुन सर 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 मिला नहीं सर आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि बाल हैं, यू नो, जब बाल ना हो तो फिर तकलीफ होती है. तो आई थिंक ऑल द पीपल हैव टेकन केयर ऑफ देयर हेयर एंड जितने भी आप प्रोडक्ट डालते हो जो भी करते हो आपके हेयर आपके सर पे ही रहते हैं एंड यू क्रिएट अ बिट ऑफ अ स्टाइल एंड इट्स फंकी. तो हेयर ड्रेसर्स आई थिंक इन इंडिया कम अ रियली रियली लॉन्ग वे. आई थिंक इंडियंस इन जनरल हैव स्टार्टेड sporting very very good hairstyles and you know we you see people all around you wherever you're traveling or you're going out or if you have to shoot or just generally also you know in public places you see you know youngsters and older people and everybody sporting different kinds of hairstyles and I think that's really cool. जितनी जल्दी हो जाए वो बेहतर है. यू नो ऑब्वियसली अगर आपका स्टाइलिस्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो और समय लग जाता है. मगर लकीली फॉर मी यू नो आई हैव अ वेरी गुड टीम. आई हैव आलिम्स टीम हु डज माय हेयर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड समटाइम्स इवन बी ब्लंट डज इट एंड सो और दोनों जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन स्टाइलिस्ट हैं. वो बहुत अच्छी तरीके से अपने जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं उनको ट्रेन करते हैं. तो आई एंडोर्स देम कंप्लीटली. अर्जुन के बालों के अलावा और किसके इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बाल आपको सबसे ज़्यादा बाल किसके हैं? अनिल कपूर. किसके बाल पसंद हैं? अच्छा मेरे ख्याल से लड़कियों के बाल और खूबसूरत लगते हैं. यू नो फ्रॉम मेंस है मैं लोग मर्दों के बालों को इतने गौर से नहीं देखता. मगर जो हमारी लड़कियां हैं स्पेशली इंडियन वुमेन आई थिंक हैव गॉट ब्यूटीफुल हेयर एंड यू नो ऑल वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर जेलस ऑफ आवर इंडियन वुमेन्स हेयर. सो वंस इन आई थिंक एनी इंडियन वुमेन हू स्टाइल्स हर हेयर ब्यूटीफुली लुक्स वन. कहानी भी कहानी का भी प्रमोशन स्टार्ट हो गया लेकिन आप बहुत ही कम नजर आ रहे हैं, उसमें कुछ वजह है? नहीं वो वजह नहीं है. अभी मैं रॉक ऑन के प्रमोशंस में था, उससे जुड़ा हुआ था. आई हैव जॉइन कहानी प्रमोशंस फ्रॉम यस्टरडे बिकॉज एक कमिटमेंट होती है, एक यू नो डेट्स होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं. आई हैव डन अ फ्यू थिंग शोज जैसे कपिल शर्मा के शो वगैरह विद विद्या, बट अभी कल से आई हैव जॉइन देम एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी कंटिन्यूअसली. जैसे कहा कि आपने प्रमोशन डेट खत्म हो गया रॉक ऑन, लेकिन रॉक ऑन उतना कमा नहीं पाई है बॉक्स ऑफिस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे बिकॉज ऑफ ये देखिए हिंदुस्तानी नहीं कमा रही है इस वक्त, तो रॉक ऑन कैसे कमाएगी? लोगों के पास पैसे नहीं है घर पे. तो आई थिंक लास्ट थिंग जो था अनफॉर्चुनेट था हमारे लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से रॉक ऑन एक बहुत अच्छी फिल्म थी और जिनके पास अभी भी कुछ पैसे हैं तो जाके देखिएगा प्लीज़. मगर हाँ इट वॉज अनफॉर्चुनेट, बहुत ही टाइमिंग जो थी बहुत बुरी टाइमिंग थी किसी भी फिल्म के लिए, सिर्फ रॉक ऑन के लिए. जो इतने भी फिल्में रिलीज हुई थी या फिर थिएटर्स में भी थे सबके बिजनेस को अफेक्ट हुआ है. मगर लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से ये हमारे देश के लिए एक अच्छा मूव है कि हम ब्लैक मनी और यू नो जो लोग काले पैसे के साथ के व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको झटका लगा है. और ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा कि लोग पैसे घर पे नहीं बैंक में रखेंगे, टैक्स भरेंगे और यू नो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, बैंक्स विल गेट रिचर और जो लोग हैं और जो हमारे देश है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से या फिर